सलाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं नो टाइपिस्ट। कैसे हैं आप सब? FSC कंप्लीट करने के बाद भी स्टडी लेवल वही क्लास 6-7 वाला है। अभी भी कोई छोटा भाई बहन आके किसी क्वेश्चन को समझाने का कह दे तो पहले खुद समझना पड़ता है। एक अजीब स्ट्रगल है, IQ लेवल डाउन है और नॉलेज गधों वाली। ये सब क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, जब दो पोनी बांधे चिपटे बाल बनाए अपने वजन से भी बड़ा बैग लिए स्कूल जाते थे। देसी स्कूल में किए गए टॉर्चर जिन्होंने आपके IQ लेवल को जीरो और कॉन्फिडेंट को खत्म कर दिया था। जब भी हम स्कूल में पढ़ते कम और घूमते ज्यादा नजर आते थे। रिसेस में बच्चों की चीज छीन लेते थे, जूनियर्स से पंगा ले लेते थे और सीनियर्स की बेइज्जती करते थे। हर टीचर को उनके हिसाब से नाम रखा हुआ था और बगैर किसी डर के उनको उसी से रोस्ट करते थे। ये है वो सब जो हमने देसी स्कूल में पढ़ने से सीखा। सिखाने वाली हमारी फीमेल टीचर्स ही ऐसी थी कि क्या शिकवा करें अपने खुद के निकम्मेपन पर। नंबर वन पर आती हैं वो टीचर्स जो आपसे बिला वजह की हेट करती हैं। जी हाँ, अगर पूरी क्लास शोर कर रही होगी तो उनकी नज़रें सिर्फ आप पर होंगी। ओरल टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको बुलाएंगी ताकि आप रिवाइज भी ना कर सको। रीडिंग के दौरान अगर आपका ध्यान 5 सेकंड के लिए इधर उधर हो गया तो रीडिंग करते स्टूडेंट को बिठा कर आपको वहीं से स्टार्ट करने का कह देंगे। अगर इनसे कोई सवाल कर लो तो उसको समझाने के बजाय आपके कॉन्फिडेंस और टेंशन की ऐसी की तैसी कर देंगी। दूसरे नंबर पर आती हैं वो टीचर जो हर वक्त अपने दुखड़े सुनाती रहेंगी। मेरे अबू ने सारे पैसे स्कूल में इसीलिए लगाए थे ताकि रोजमर्रा के दुखड़े सुन सकूं। इनकी सास इनसे सारा काम करवाती है, इनकी नंद एक हफ्ते से रुकने आई भी है और उनसे ही सारी खिदमतें करवा रहे। अरे हम क्या करें, एग्जाम में आएंगे क्या? नहीं, है स्कूल सिर्फ अपने दर्द सुनाने आती थी क्योंकि इनके घर में तो इनकी कोई सुनता नहीं था। तीसरे नंबर पर आती हैं वो टीचर जो हर चीज़ अनोखी रखती हैं। सरप्राइज टेस्ट भी इतना सरप्राइज कर देती हैं कि आपके साथ बैठी दोस्त को उठा के भी दूसरी जगह बिठा देती हैं। ऐसे टीचर्स का कोई ना कोई चमचा ज़रूर होता है। चीटिंग करने का सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि वो ड्यूरिंग टेस्ट क्लास में नज़र रखने के लिए अपने उसी चमचे को खड़ा कर देती हैं। असल दुख तो तब होता है जब एग्जाम में ऐसी टीचर्स आ जाएं जिनसे आप बहुत चिढ़ते हो। चौथे नंबर पर आती हैं इंग्लिश बोलने वाली टीचर्स जो A to Z सब इंग्लिश में बोल रही होती हैं और उर्दू से तो इतना चिढ़ती हैं जैसे UK से पाकिस्तान इंपोर्ट होकर आई हूँ। ऐसी टीचर्स इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आप उनसे पूछ भी नहीं पाते वो इंग्लिश में बोल क्या रही हैं। हर बात पर पनिशमेंट दे देना, कभी क्लास से निकाल देना, कभी कान पकड़ कर खड़ा करा देना, यही वजह थी कि इंग्लिश से भी नफरत हो गई। घर अगर इन नाइंसाफियों के बारे में बता दो यकीन तो दूर की बात है, उल्टा हमसे कहते हैं कि पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ लेते हैं। आखिर में पांचवें नंबर पर आती हैं वो टीचर जो खुद ही पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हैं कि वो पढ़ा क्या रही हैं। ऐसे में हम क्या याद करते, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना क्या है। बगैर किसी फैमिली सपोर्ट के स्कूल पास करके जब हम बाहर निकले तो खुली हवा में सांस तो मिली पर नॉलेज नाम को भी ना मिली। तो ये थी कुछ देसी स्कूल की टीचर जिन्होंने हमें सिर्फ पागल ही बनाया। आपने थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो लाइक जरूर करेंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी करो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ता-ता, बाय।